एक था राजा, मत पूछो किस जमाने का। था उसका देश कुछ मेरे कुछ तुम्हारे सा। राजा ने सुना सब परेशान हैं, कुछ भूखे कुछ बेरोजगार तो कुछ बीमार हैं। राजा ने सोचा प्रजा से मिल आते हैं, कुशल मंगल पूछ आते हैं, कुछ भेंट दे आते हैं। सोचा उसने एक मार्ग देखकर कि एक बड़ा सा पत्थर रखवाते हैं, इस समस्या का निवारण करता है कौन, देख पाते हैं। राजा देश की सैर कर लौट आए, आते वक्त उसी रास्ते हो आए, चौंक गए कि अब तक वो पत्थर वहीं है। क्या इस देश में समस्या सुलझाने वाला कोई नहीं है। दिन सप्ताह बीत गए, एक आध दिन कुछ मास बन गए। कुछ लोग पत्थर को देख राजा को कोस गए, जो अमीर थे किसी और राह हाथी घोड़े से चल दिए। कुछ गरीब जो जा न सके, ना मुड़े ना जूझे, वो वापस घर ही चल दिए। फिर आया एक किसान, तुम्हारे मेरे जैसे साधारण सा, देखा चट्टान के कहा मुझे कुछ करना है, मुझे तो इसी राह गुजरना है। कुछ बल कुछ बुद्धि से, एक घंटे में रस्सी के एक एक सिरे से, थोड़ा थोड़ा कर उसने पत्थर सरका दिया। लगे 2 दिन मगर उसने रास्ते से चट्टान हटा दिया। कि देखकर उसने एक बस्ता था चमकीले सितारों सा, जिसमें था एक पुरस्कार सोने के सिक्कों हजारों का। लिखा था राजा ने एक पत्र में उसमें, भेंट है तुम्हें ये वीर कि तुम इस चट्टान से टकराए, इंसान चाहे तो क्या ना क्या कर जाए। तुम भी रो सकते हो, शिकायत कर सकते हो, क्रोध में 2 बातें तुम भी सुना सकते हो, मगर पते की बात यही है, तुम ही हो जो इतिहास बन सकते हो या इतिहास बना सकते हो। तुम जीवन के अवरोधों को अवसर बना सकते हो। शुक्रिया।